सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज बीका मारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीबीएसई ने ऑफिशियली जो टर्म टू एग्ज़ाम की गाइडलाइन है वो सभी एग्ज़ाम सेंटर पर भेज दी है और बता दिया कि एग्ज़ाम सेंटर पे कौन कौन सी गाइडलाइन का फॉलो करना होगा सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। तो गाइज, वैसे तो ज़्यादातर गाइडलाइन सेम है जैसे टर्म वन में थी, बट कुछ न्यू गाइडलाइन ये है कि सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होने चाहिए आपके टीचर्स के और आपके पेरेंट्स के, और ये सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पे तभी होगे जब आपने वैक्सीन लगाई हुई होगी। तो ये चेक होगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, और जिन बच्चों की वैक्सीन नहीं लगी होगी उन बच्चों के अगर सिग्नेचर हुए तो वो डॉक्टर की परमिशन से ही होगे, ऐसा गाइडलाइन में लिखा हुआ है। और लगभग सारी दूसरी गाइडलाइन सेम है, सोशल डिस्टेंस मैनेज रखनी है, आपको मास्क पहनना है, पानी बोतल घर से लेकर आनी है, मतलब वाटर बोतल अपने घर से लेकर आनी है, किसी को चीटिंग नहीं करनी, और जो कॉमन होती है वही सभी गाइडलाइन है। और एक मेन बात है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम से लगभग 45 मिनट पहले पहुंचना है। तो आपको पता ही आपका एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने में, तो आपको उससे 45 मिनट 50 मिनट मतलब मैं तो कहूँगा एक घंटे पहले पहुंच जाना, बाहर सारे दोस्त बातें कर लेना लेकिन एक घंटे पहले पहुंच जाना। तो गाइज, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी यही थी कि टर्म टू बोर्ड एग्ज़ाम की सीबीएसई ने ऑफिशियली गाइडलाइन जारी कर दी है। तो गाइज, एकदम तैयारियाँ हो चुकी है, आपकी कैसी तैयारी आप कमेंट करके बताना। एग्ज़ाम और सीबीएसई एग्जामिनर की सभी की गाइडलाइन सब कुछ रेडी है, तो आप लोग भी रेडी रहना अपने फैमिली नेक्स्ट रूम। तब तक आसिंग का प्रो सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।